नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद डॉक्टर्स में आक्रोश, हड़ताल पर गए देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर, इमरजेंसी पर असर नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने बताया मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित, कहा तथ्यों और वैज्ञानिक आधार से परे है रिपोर्ट, सेबी चीफ और उनके पति ने भी झुठलाए आरोप। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के तय किए जाएंगे मुद्दे। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालत ने माना था सुनवाई योग्य। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही, उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब, राजस्थान के कई जिलों में आज स्कूल बंद। और दहशत में जी रहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर, भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज, हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने की मांग। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, आबकारी नीति मामले में सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ये अपील दायर की गई है। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की थी। आपको बता दें कि वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई का आग्रह भी किया है इस याचिका को लेकर के। सीजीआई ने कहा कि ईमेल करें, आग्रह पर विचार किया जाएगा। तो अभी की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई जारी। आपको बता दें कि के कविता की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से तीन अहम मामलों में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के यूट्यूबर ध्रुव राठी की ओर से सर्कुलेट वीडियो को रीट्वीट करने से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के समन को चुनौती दी है। इस मामले में आज सुनवाई होनी है। मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल अपनी गलती हालांकि मान चुके हैं और इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जो रीट्वीट किया था उसे डिलीट भी कर दिया था। वहीं सीबीआई केस की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल इस केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, यानी कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था और इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के वकील। और इस पूरे मामले पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के दो अहम मामले जिसमें एक तो उनका मानहानि से जुड़ा हुआ मामला है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और दूसरा मामला जिसमें हाईकोर्ट ने जिस याचिका को निरस्त किया उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के खिलाफ चुनौती। बिल्कुल संध्या, दो मामले आज अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में थे जिसमें से पहले मामले को उनके वकील ने मेंशन किया और ये आग्रह किया कि जल्द सुनवाई के लिए इसको लिस्ट किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो इस आग्रह पर विचार करेंगे। इसमें दो मामले हैं, पहला उन्होंने अपनी सीबीआई की गिरफ्तारी को ही चुनौती दी है, दूसरी तरफ वो इस बीच में जमानत की भी मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि मामला कब लिस्ट होगा ये बाद में साफ हो पाएगा। ठीक एक हफ्ते पहले पिछले सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसमें कोई कानूनी खामी नहीं है, इसीलिए जो सीबीआई की कार्रवाई है उसको ना तो कोर्ट ने माना था कि ये बदनीयती से की गई कार्रवाई है
और ना ही इसमें यह पाया था कि कोई कानून सम्मत गड़बड़ी है। इसीलिए कोर्ट ने उनसे यह कहा था कि वो निचली अदालत जाएं, ये उनके खुद उनके लिए बेहतर होगा कि वो सीधे हाईकोर्ट आने के बजाय निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर करें या गिरफ्तारी को जो उन्होंने चुनौती दी थी उसमें भी वो सीधे हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसलिए कोर्ट ने खुद उनको सुझाव दिया कि वो लोअर कोर्ट में जमानत के लिए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट वो सीधे आ गए हैं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, लोअर कोर्ट जाने की जगह यहां से उनको राहत मिलेगी या नहीं सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन ईडी मामले में क्योंकि हमने देखा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी वो कुछ टेक्निकल ग्राउंड पे थी, जिसमें पीएमएलए कानून के कुछ प्रावधानों की समीक्षा के लिए कोर्ट ने उस मामले को एक बड़ी बेंच को रेफर किया था। इस बीच में ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दे दी जाए। अब वो सीबीआई मामले में भी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, कब इस पर सुनवाई होगी ये उम्मीद है कि आज शाम तक स्पष्ट हो जाए, जब चीफ जस्टिस को इस पिटीशन को देखेंगे और फिर इसको लिस्ट करने के लिए जरूरी निर्देश जारी करेंगे। जहां तक ये दूसरा डिफेमेशन का मामला है, उसमें उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो को रीट्वीट किया था जिसको लेकर के उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो शिकायत करता है उनसे ये पूछा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनको खेद है कि उन्होंने इस वीडियो को साझा किया और उन्होंने इस वीडियो को वापस ले लिया था, तो क्या इन दलीलों पर शिकायतकर्ता किसी तरह की सहमति से मामले को वापस लेने के लिए तैयार है। अब ये देखना होगा संध्या कि शिकायतकर्ता का क्या रुख रहता है। अगर शिकायतकर्ता अरविंद केजरीवाल की सफाई से संतुष्ट है तो ये मामला खत्म किया जा सकता है जो कि निचली अदालत में अभी पेंडिंग था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे किया हुआ है। और अगर शिकायतकर्ता कहते हैं कि नहीं वो अपनी मांग पर आगे बढ़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल को डिफेमेशन केस का सामना करना पड़ेगा। विकास, मनीष सिसोदिया को अभी पिछले दिनों जमानत पर बाहर किया गया, क्या उम्मीदें अरविंद केजरीवाल की इसी को देख करके और ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है और उन्होंने सीबीआई को याचिका के सीबीआई को जो है उसको चैलेंज करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। संध्या, ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उनको ये एक राहत भरी खबर लगी हो कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, लेकिन ग्राउंड वो मनीष सिसोदिया वाले नहीं ले सकते क्योंकि मनीष सिसोदिया 17-18 महीनों से न्यायिक हिरासत में थे और कोर्ट ने इसी आधार पर कि वो लंबे समय से लगभग 1.5 साल से जेल में है और ट्रायल में कम से कम अभी 7-8 महीने लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि कम से कम अगर हम मान के चले तो 7-8 महीने अभी लगेंगे, इसीलिए उस डिले की वजह से, उस ट्रायल में डिले की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत दी थी। अरविंद केजरीवाल के मामले में ग्राउंड नहीं बनता है, वो सीधे सीधे सीबीआई की गिरफ्तारी को यहां पर चुनौती दे रहे हैं। ईडी मामले में उनको राहत मिली हुई है, सीबीआई मामले में उनकी दलील ये है कि सीबीआई ने उनको बहुत देर से गिरफ्तार किया, शुरुआत में उनको ये नहीं बताया गया कि उनको आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर एक बयान देने के लिए एक विटनेस के तौर पर सीबीआई ने उन्हें समन किया है। तो उन्होंने ये दलीलें वहां पर रखी कि सीबीआई ने एक मैलिफाइड इंटेंशन से, बदनीयती से उनको इस मामले में गिरफ्तार किया है, क्योंकि लगभग जिस दौरान मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है 1 साल तक उनसे सीबीआई ने किसी तरह के उनको समन नहीं भेजे, ये आरोपी होने के नाते समन नहीं भेजे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो भी चीज़ें सीबीआई उनसे पूछना चाहती थी या जो भी चीज़ें उनसे कलेक्ट करना चाहती थी वो सारी चीज़ें वो पहले ही दे चुके हैं, ये सारी बातें वो जमानत में रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पैरिटी यहाँ पर मनीष सिसोदिया के साथ दिखाएगा इस मामले में वो तो संभव नहीं है। अब जो पूरी मेरिट्स पर है सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जो दावे हैं कि उनकी गिरफ्तारी ही बदनीयती से की गई है, इस पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सीमित रहने की उम्मीद है। हालांकि वो इस बीच में ये भी मांग करेंगे कि उनको जमानत दे दी जाए क्योंकि वो लंबे समय से, वो भी पिछले कुछ महीनों से जेल में है और अगर ये सीबीआई की अरेस्ट के ग्राउंड्स पर अगर लंबी सुनवाई होती है और इसमें वक्त लगता है तो जाहिर है वो जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस बीच में उनको जमानत दे दी जाए, क्योंकि ईडी मामले में उनको पहले से ही जमानत है और इसीलिए सीबीआई ने उनको इस मामले में गिरफ्तार करके उनकी रिहाई को रोकने के लिए सारी कार्रवाई की है। ये सारी दलीलें अरविंद केजरीवाल रखेंगे। विकास, मानहानि मामले में जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसको लेकर के अगर बात की जाए तो किस तरह की संभावना बनती नजर आ रही है, क्या उन्हें राहत मिलती हुई दिख रही है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि उन्होंने जिस वीडियो को रीट्वीट किया था उसे डिलीट किया और अपनी गलती को भी स्वीकार किया, तो आज जो सुनवाई होनी है उसमें किस तरह की संभावना है, क्या राहत मिलेंगी अरविंद केजरीवाल को? देखिए, इसमें सब कुछ शिकायतकर्ता पर, ज्यादा से ज्यादा शिकायतकर्ता का क्या रुख रहता है इस पर निर्भर करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, जो समन वगैरह निचली अदालत से हुए थे, उनको स्टे कर दिया था और जो प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील ने रखा कि उन्होंने वो पूरा जो डिफेमेटरी कंटेंट था उसको तुरंत हटा दिया और इसके अलावा उन्होंने खेद भी जताया कि उन्होंने किसी गलत मंशा से उसको रिट्वीट नहीं किया था। लेकिन ये सफाई क्या शिकायतकर्ता को भी पर्याप्त लगेगी? अगर शिकायतकर्ता को पर्याप्त लगेगी और वो इस सफाई से संतुष्ट होंगे
तभी सुप्रीम कोर्ट मामला खत्म करेगा, वरना जैसा कि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछ सकता है कि वो और क्या कर सकते हैं, शिकायतकर्ता कुछ और भी मांगे रख सकते हैं कि वो माफीनामा सिर्फ मौखिक ना हो, लिखित माफीनामा हो, भविष्य में ऐसा वो नहीं करेंगे, तमाम तरह के उसमें विकल्प मौजूद हैं शिकायतकर्ता के पास भी। लेकिन सब जो बड़ा मामला है वो ये है कि शिकायतकर्ता की का क्या कहना है अरविंद केजरीवाल की सफाई के ऊपर, और इस पर ही आगे पूरा केस निर्भर करेगा। विकास, सुप्रीम कोर्ट आज जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा, इसको लेकर के किस तरह का अपडेट है? दिल्ली आबकारी नीति और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बिल्कुल, जिस बेंच ने, याद करें आप, मनीष सिसोदिया को अभी हाल ही में जमानत दी है, जस्टिस बी आर गवई की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। के कविता ने भी राहत की मांग की है ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में कि उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। हालांकि अगर आप दोनों एजेंसी के जो दावे हैं और जो दलीलें हैं लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में उनको देखें, जिसके आधार पर इन दोनों अदालतों में, निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं को पहले रद्द किया है, लोअर कोर्ट ने तो उनके खिलाफ काफी कड़े ऑब्जर्वेशन भी दिए थे कि गिरफ्तारी से पहले की भी जो भूमिका है के कविता की वो काफी सवाल पैदा करती है, जहां पर उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की, एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश की। इन आधार पर लोअर कोर्ट ने उनको बेल डिनाई किया था, हाई कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई की बेंच के सामने जब वो दलीलें रखेंगी तो उसके बाद क्या उनको यहां से राहत मिलेगी जैसे कि मनीष सिसोदिया को मिली है, ये भविष्य में ही तय हो पाएगा। लेकिन यहां पर उनके भी ग्राउंड मनीष सिसोदिया से मेल नहीं खाते, क्योंकि मनीष सिसोदिया बहुत लंबे वक्त तक जेल में रहे हैं, जबकि के कविता और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लगभग कुछ ही एक दो हफ्तों के अंतराल पर ही हुई है, बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं है। तो इन दोनों के मामलों में मनीष सिसोदिया वाली दलीलें लागू तो नहीं होती हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि क्या इन दोनों को भी इस तरह की राहत मिलेगी जैसी सिसोदिया को मिली है। जैसी सुनवाई शुरू होगी तो स्थिति और स्पष्ट होगी। विकास, आज उत्तर प्रदेश में जो नेमप्लेट से जुड़ा हुआ मामला है उसको लेकर के भी सुनवाई की जानी है, इसको लेकर के किस तरह का अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल संध्या, जो कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, इन तीन राज्यों में दुकानदारों को ये कहा गया था कि वो दुकान का मालिक कौन है, वहाँ कौन कौन लोग काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में फल विक्रेताओं को ये कहा गया था कि वो ओनर का नाम स्पष्ट तौर पर वहां पर दिखाएं, उसकी एक नेम प्लेट लगाएं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था। इसमें बाद में उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पहुंची थी और उसका ये कहना था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है 2006 और वेंडर्स एक्ट जो 2014 का है, ये मैंडेट करते हैं इस बात को कि दुकान का मालिक कौन है या उसको अगर लीज पे दिया हुआ है तो उसको कौन, उसका संचालन कौन कर रहा है, ये सारी जानकारी दुकान पर होनी चाहिए। ये जरूरी है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिम्मेदारी तय की जा सके, क्योंकि इससे यहाँ पर खाने पीने से जुड़ी चीजें दी जाती हैं। और यूपी पुलिस का ये कहना था कि पिछली कांवड़ यात्रा में उन्होंने देखा कि इसी बात को लेकर के कि दुकान का मालिक कौन है या लो स्टैंडर्ड का क्वालिटी का खाना देने की वजह से झगड़े हुए, इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, इसीलिए यूपी पुलिस ने अपने इस सर्कुलर का बचाव किया था। हालांकि जब स्टे करा सुप्रीम कोर्ट ने तो कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, और इसी के चलते कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था। संध्या, अब ये इस बार की कांवड़ यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है, इसीलिए ये फैसला इस बार उतने मायने नहीं रखता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश इसमें अंतिम देगा, अभी तक अंतरिम आदेश था, वो अगले साल के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा कि क्या अगले साल और सामान्य दिनों में भी क्या दुकानदारों को अपना नाम और जो जो फल विक्रेता या खाने पीने की चीजें जो बेचते हैं उनको अपना नाम दुकान पर दिखाना, उस पर बोर्ड लगाना जरूरी है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण होगा। जी विकास, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होना है। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे। दरअसल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था और इसके बाद निचली अदालत में इस मामले से जुड़े लंबित मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 9 अगस्त की सुनवाई टल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए कहा था कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो जाने के बाद ही वो इस पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। तो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी सुनवाई होनी है और सोमवार का दिन आज न्याय के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोर्ट के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। इलाहाबाद
में भी आज सुनवाई की जानी है। और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि लगातार दबाव और आंदोलन से बंगाल सरकार पर जबरदस्त इस दबाव का असर दिख रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा इस समय की बड़ी खबर आ रही है। प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और उसके बाद उसकी हत्या का जो मामला है उसको लेकर के आज देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। गुस्सा काफ़ी है, साथ ही डॉक्टर्स में इमरजेंसी सेवाएं हालांकि चालू रहेंगी क्योंकि उन्हें मरीज का भी ध्यान रखना है, लेकिन जो गुस्सा है उसको लेकर के आज हड़ताल की गई है। और कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टर्स में खासा आक्रोश है। मेडिकल छात्रों के संगठन फोर्डा के आह्वान पर इस घटना के विरोध में आज से देश के सभी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। डॉक्टर्स की यह भी मांग है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। फोर्डा ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य पुलिस इस पूरे मामले की जांच के लिए अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर पर तैनात जूनियर डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। और इस पूरे मामले पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र। नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, हड़ताल का ऐलान किया गया है, लेकिन इस समय अस्पतालों की स्थिति की अगर बात की जाए तो किस तरह के हालात हैं, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही गई है। नितेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आज डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और ठीक है समझा, जो रेजिडेंट डॉक्टर है फोर्डा के अंदर इन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है पूरे देश भर में। और जो रेजिडेंट जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी जी, बोले तो नितेंद्र हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, आपसे ताज़ा हालात जानना चाहेंगे। जी तो आपको बता दें कि आज डॉक्टर्स में खासा आक्रोश है। फोर्डा से जुड़े हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब अपनी मांगों को लेकर के काफी आक्रोशित हैं। देर पहले वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से उन्होंने मुलाकात की है और अपनी चार सूत्री मांगों को रखा है, जिसमें प्रिंसिपल की बर्खास्तगी की बात थी, सीबीआई इंक्वायरी की बात थी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं। तो नितेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे कि चार सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर के हड़ताल की जा रही है। डॉक्टर्स काफ़ी आक्रोशित हैं, न्याय की लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पर इस तरह के हालात की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देश भर में इस तरह का आक्रोश आज देखने को मिल रहा है। तो कोलकाता की न्याय व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है क्योंकि यहाँ डॉक्टर के साथ
जो मरीजों का इलाज करते हैं, खुद उनके साथ इस तरह की बदसलूकी का मामला सामने आया और इसको लेकर के साथ ही डॉक्टर्स में खासा आक्रोश, क्योंकि जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन सब ने हड़ताल का ऐलान किया और इसलिए कि इस तरह के मामले दोबारा ना हो। आपको बता दें कि दिल्ली के भी सभी अस्पतालों में आज हड़ताल है, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही गई है ताकि मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, लेकिन जिस तरह का आक्रोश इन डॉक्टर्स में है उनकी साफ मांग है कि इस तरह की स्थिति दोबारा ना हो, इसे लेकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें कि प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इस्तीफा दे चुके हैं और ये जो ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी का मामला है इसको लेकर के आज अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान, और देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स अपने आंदोलन के चलते इस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, पीड़िता के परिजनों को न्याय मिले। और इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर संदीप घोष ने अपने प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, डॉक्टर्स की 4 सूत्रीय मांग है जिसको पूरा करने के लिए आज रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, डॉक्टर्स जिस तरह से हड़ताल पर हैं, अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर के डटे हुए हैं, हाथों में उनके तख्तियां हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं ममता सरकार दबाव में नजर आ रही है, और इसी के चलते डॉक्टर संदीप घोष जो कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आगे किस तरह से दोषियों को लेकर के कार्रवाई की जाए ये अभी भी बंगाल सरकार पर एक सवाल है, एक बड़ा सवाल। एक बार फिर सुरक्षा की बात की जाए, न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो एक बार फिर कटघरे में है बंगाल सरकार। और इस पूरे मामले पर जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र से। नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात इस वक्त अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो गुस्सा है वो जायज भी नजर आता है, क्योंकि इस तरह की स्थिति अगर वर्क प्लेस पर होती है तो वाकई सवालों के घेरे में बंगाल सरकार आती है। लेकिन अगर अस्पतालों की बात करें तो हड़ताल के बाद किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर बैकबोन होते हैं किसी भी अस्पताल के, तो उनके हड़ताल पर जाने पर निश्चित तौर पे अस्पतालों पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन जितने भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको पत्र लिखा गया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से एचओडी को कि जो व्यवस्था है उसको कायम रखें। जितने भी सीनियर फैकल्टी हैं वो ओपीडी में आएंगे, और जितने भी चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, वो तमाम लोग ओपीडी में बैठेंगे, और जो सर्जरी की बात है, इलेक्टिव सर्जरी की बात है, वो तमाम सुचारू रूप से चलेगा। और इसको लेकर के जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं वो ओपीडी में बैठे हैं, और चाहे वो एम्स की बात हो, आरएमएल हॉस्पिटल की बात हो, या जितने भी दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं उसमें ओपीडी सुचारू रूप से चल रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज भी अभी चल रही है, साथ ही साथ जो प्लान्ड सर्जरी थी उसको भी सुचारू रूप से चालू रखा गया है। लेकिन असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत से सीनियर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक में शामिल है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अस्पताल की सर्विसेज में शामिल नहीं है इमरजेंसी को छोड़कर। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ होडा के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम मिली है, अपनी 4 सूत्री मांगों को उन्होंने रखा है, जिसमें प्रिंसिपल की बर्खास्तगी, सीबीआई इंक्वायरी की मांग है, साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो उसको कैसे रोका जाए इस पर भी उन्होंने बात की है। और अभी भी स्ट्राइक जारी है, और निश्चित तौर पर पूरे देश भर में इस स्ट्राइक का असर है। पिछले 3-4 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर दबाव बनाए हुए थे, अब से थोड़ी देर पहले जो मेडिकल कॉलेज था उसके प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया है, डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर के स्ट्राइक का असर यह हुआ है, और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। और डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं न हो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्पॉट होते हैं जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, 24 घंटे राउंड द क्लॉक डॉक्टर काम करते हैं जिसमें महिला डॉक्टर भी शामिल होती है। तो उनका यह कहना है कि जो ऐसे इलाके हैं जहां सुनसान अस्पताल के अंदर जो इलाके हैं वहां लाइट की व्यवस्था हो, प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था हो, ताकि वो भयमुक्त होकर के अस्पताल में अपनी सेवाएं दे सके।
नितेंद्र, डॉक्टर्स से भी आपकी बात हुई होगी जो हड़ताल पर हैं, क्या कहना है उनका कि ये हड़ताल क्या आगे भी बढ़ सकती है, क्या आगे भी शिफ्ट हो सकती है? देखिए, उनकी चार प्रमुख मांग है, जिसमें एक मांग तो एक तरह से पूरी हो गई जब प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। दूसरी जो मांग है सीबीआई इंक्वायरी की, इसको लेकर के वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से भी मिले हैं और लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए स्वास्थ्य मंत्री को भी टैग कर रहे हैं कि उस पर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। साथ ही साथ जो जो डॉक्टरों की सुरक्षा की बात है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसको लेकर के भी वो लगातार दबाव बना हुए हैं। अभी भी ये स्ट्राइक जारी है। डॉक्टरों का ये कहना है कि जब तक उनकी चार मांगों पर ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग इस पे वापस अभी काम पर नहीं लौटेंगे। नितेंद्र, सरकार की तरफ से किस तरह के आश्वासन रेजिडेंट डॉक्टर्स को मिले हैं जो हड़ताल पर हैं, क्या इनके काम पर लौटने की उम्मीद आज नजर आती है? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उनका आश्वासन दिया कि उनकी जितनी मांग है वो उचित फॉर्म पे बताई जाएगी, कही जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ये भी कहा है कि जो राज्य पश्चिम बंगाल के जो स्वास्थ्य सचिव है, उनसे हम बात करेंगे और तमाम जो उनकी जायज मांग है उस पर विचार किया जाएगा। और उन्होंने डॉक्टरों से, रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल वापस करने की भी अपील की है, क्योंकि मरीज प्रभावित हो रहे हैं, अस्पताल की सर्विसेज प्रभावित हो रही है। उसको लेकर के सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को जरूर रखा जाएगा और जो सुरक्षा की बात है उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, और साथ ही साथ आप वापस लौटे काम पर ताकि अस्पताल सुचारू रूप से चल सके और मरीजों को कोई दिक्कत न हो। नितेंद्र, लेकिन बंगाल में जिस तरह की ये घटना हुई है, उससे एक बार फिर न्याय व्यवस्था की अगर बात करें, महिलाओं सुरक्षा की अगर बात करें, तो बंगाल सरकार एक बार फिर कटघरे में नजर आती है। अब तक तो प्रिंसिपल ने कोई स्टैंड भी नहीं लिया था, लेकिन इस हड़ताल का असर कम से कम इतना तो देखने को मिला कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जब हड़ताल पर गए तो प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ गया। निश्चित तौर पर देखिए, ये लगातार इस तरह की घटनाएं बंगाल में देखी जा रही है, जो महिलाओं से जुड़ी जो हिंसा का मामला उसको लेकर के, और ये जो मामला था जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप के साथ मर्डर किया गया, बहुत ही जघन्य अपराध है, क्योंकि डॉक्टर 24 घंटे काम करते हैं और उनको ऐसे अस्पताल के ऐसे ऐसे एरिया में काम करना पड़ता है जहां पर सन्नाटा होता है, वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। तो वो उनकी मांग बहुत जायज है, क्योंकि अगर वो सुरक्षा उनको ना मिले, अगर भयमुक्त होकर के वो काम ना करे, तो अस्पताल की सर्विसेज प्रभावित होंगी। और ये कहीं ना कहीं वहां पर देखने को मिला कि जो उनकी मांग थी, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे पिछले करीब 4-5 दिनों से, कि प्रिंसिपल को बर्खास्त किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी हो, या भी जितने भी दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनको उचित जो सजा है वो दिया जाए, और उसमें कहीं ना कहीं डिले हुआ, जिसका नतीजा रहा कि जो पूरे देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर आक्रोशित हो गए और उन्होंने एक तरह से स्ट्राइक का ऐलान किया। अपने अपने पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा था कि अपने अपने अस्पतालों में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंडल मार्च से लेकर के तमाम वो विरोध दर्ज कर रहे थे, और कल उन रेजिडेंट डॉक्टरों ने सभी अस्पतालों को, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनको पत्र लिख करके कहा कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं बंगाल, पश्चिम बंगाल लगातार सवालों के घेरे में है, वहां की सरकार सवालों के घेरे में, कि महिला सुरक्षा को लेकर के, खासतौर पर डॉक्टरों की बात है, उसको लेकर के कैसे आगे बढ़े, कैसे उनको सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा कायम रखी जाए। जी, बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए। तो कटघरे में है बंगाल सरकार, और क्यों ना हो वो डॉक्टर्स जो लगातार लोगों की जान बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, और उन्हीं की जान माल पर जब बन आए तो निश्चित तौर पर बंगाल सरकार कटघरे में आएगी। कोई भी सरकार हो कटघरे में आएगी, सवालों में आएगी, क्योंकि सवाल महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और उन डॉक्टर्स से जुड़ा हुआ है जो औरों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, औरों की जान बचाते हैं। और आइए अब आपको बता देते हैं आखिर रेजिडेंट डॉक्टर्स क्या चाहते हैं, सुनवाते हैं उनकी मांग। मर्डर का मामला निर्भया पार्ट 2 है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजी कर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो ड्यूटी डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजी कर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। नो मर्सी शुड बी शोन, चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए, चीजों को कवर करने से नहीं होता है। आज हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले।
अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत स्लो चल रही है, हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, तो हमें लग रही है कि जो भी चल रही है बहुत भ्रष्टाचार चल रही है अभी। तो इस मामले में मैं कहना चाहूंगी थोड़ा स्पीड में काम चले। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग अभी आप सुन रहे थे, जिनका आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा था कि जो जांच है वो स्लो चल रही है, धीमी रफ्तार से चल रही है, वो तेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो डॉक्टर्स पर उल्टा सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि आखिर आप क्या कर रहे थे जबकि वो अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो इस तरह के तमाम वो मुद्दे, तमाम वो सवाल जिनके जवाब रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने साथी के लिए चाहते हैं। और आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगदड़ में हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। आपको बता दें कि भगदड़ के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायलों को गया के अस्पताल रेफर किया गया था। दरअसल सावन का सोमवार होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए जुटे थे। मंदिर में लंबी कतार लगी हुई थी। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मच जाने से ये हादसा हो गया। मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज देने वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए थे। इससे पहले भारी बारिश के बीच भी प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। किसानों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि में अनुसंधान और नवाचार के महत्व पर भी जोर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है, अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी गति से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचन सुन रहा हूँ ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक ये फर्टिलाइजर ये पेस्टिसाइड्स ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है, और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा, और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वेराइटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। और अब बात हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से जुड़ी हुई कर लेते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजिशन हो सकती है। REIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का भी बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है। रीट पर सेबी के लिए गए फैसले सेबी बोर्ड ने लिए हैं और यह किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। सेबी चेयरमैन ने नियमों के मुताबिक समय समय पर सिक्योरिटीज में अपने निवेश की पूरी जानकारी भी दी है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है।
ये नियामक ढांचा निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। हितों के टकराव के मुद्दों पर सेबी के भीतर खुद ही मजबूत व्यवस्था मौजूद है। सेबी भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया है। यह कंपनी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि सेबी ने 24 में से 22 मामलों में जांच पूरी की है, 2 मामलों में जांच जारी है। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इन्हीं दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। अडानी समूह ने कहा कि सेबी प्रमुख या उनके पति धवल बुच के साथ उनका कोई व्यवसायिक रिश्ता नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग ने एक ही झूठ को दोबारा परोसने की कोशिश की है। और इधर सेबी के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने भी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक या कोई परेशानी नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया। माधवी बुच की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। और इधर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर IIFL ने कहा है कि हमने किसी भी फंड के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में कोई निवेश नहीं किया है। फंड में सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की होल्डिंग टोटल इनफ्लो को 1.5% से कम थी। 360 एसेट मैनेजमेंट पुष्टि करता है कि इसके सभी फंड सभी रेगुलेशन का पूरी तरह से पालन करते हैं और हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। इधर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश $165 अरब के पार पहुंच गया है। 10 वर्षों में 69% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के मुताबिक PLI स्कीम के कारण बीते 5 वर्षों में $383 अरब से ज़्यादा का FDI निवेश भारत आया है। HSBC के ताज़ा सर्वे में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भारत में जुलाई में लगातार इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI पिछले महीने 58.1 पर रहा था। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार और IMF के पास आरक्षित निधि में जबरदस्त बढ़ोतरी होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब $675 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इधर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM में जुलाई में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है। यह मासिक आधार पर 6% बढ़कर करीब 64,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। म्यूचुअल फंड AUM बढ़ने की वजह देश में SIP के चलन में इजाफा होना है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि MFI के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में SIP के जरिए 23,332 करोड़ रुपये का निवेश हुआ जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह लगातार 41वां महीना है जब ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स में निवेश सकारात्मक रहा है। इस दौरान बाजार में अच्छी तेजी भी देखने को मिली। जुलाई में सेंसेक्स ने 3.43% और निफ्टी ने 3.92% का सकारात्मक रिटर्न दिया। SIP के जरिए निवेश लगातार बढ़ने के कारण SIP AUM बढ़कर 13,09,000 करोड़ रुपये के पार हो गया। यह SIP AUM का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
और अब आपको एक और आंकड़े से रूबरू करा देते हैं। दरअसल भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश 165 अरब डॉलर के पार पहुंचा। 10 वर्षों में 69% की बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद के मुताबिक पीएलआई स्कीम के कारण बीते 5 वर्षों में 383 अरब डॉलर से ज्यादा का एफडीआई निवेश भारत आया है। एचएसबीसी के ताजा सर्वे में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भारत में जुलाई में लगातार इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पिछले महीने 58.1 पर रहा था। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार और आईएमएफ के पास आरक्षित निधि में जबरदस्त बढ़ोतरी होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 675 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और इधर कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें खतरनाक व्यक्ति बताया है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि राहुल गांधी जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का समर्थन कर रहे थे वह गलत साबित हुई है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कंगना ने यह भी कहा कि भारत के लोग उन्हें कभी अपना नेता नहीं मान सकते, जीवन भर उन्हें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इधर नई दिल्ली के मॉडल स्कूल में आज नशा मुक्त भारत अभियान के अवसर पर स्कूली छात्रों को नशे के विरुद्ध एकजुट होकर स्वयं, परिवार, समाज और देश के स्तर पर कार्य करने और लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार देश भर में नशा मुक्ति अभियान के तहत हर स्तर पर लोगों के सहयोग से मिलजुल कर कार्य कर रही है और नशे के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई के अभियान को आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से नशे के कारोबारी शैक्षणिक संस्थाओं को अपना केंद्र बना रहे हैं, सरकार गृह मंत्रालय संबंध में काफ़ी तत्परता से कदम उठा रहा है। पहले नशे की सामग्री जब्त होती थी तो पड़ी रहती थी बरसों, लेकिन अगर हम आज की तारीख में अब जो नशे की सामग्री जब्त हो रही है उसको भट्टियों में नष्ट किया जा रहा है और गृह मंत्रालय नशे के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध जो है ना शक्ति के साथ में कदम भी उठा रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस दिशा में जागरूकता के कार्यक्रम करने, अवेयरनेस के प्रोग्राम करने, उपचार के कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने, शैक्षणिक संस्थाओं में जहाँ तक आपने बात की है एक नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से उसमें हम अध्यापकों के और छात्रों के ग्रुप बनाने का काम उसमें किया जा रहा है। और इधर आपको बता दें कि नेपाल के दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। विक्रम मिश्री नेपाल के विदेश सचिव सेवा लामसाल के निमंत्रण पर काठमांडू की आधिकारिक यात्रा पर हैं। और इधर राजस्थान के अलग अलग जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर है, तालाब लबालब हो चुके हैं। लगातार बारिश के कारण लोग घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरने के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण राजस्थान में करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच जयपुर के लबालब भरे कानोता बांध में 5 युवक डूब गए, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी में डूबने से 7 लड़कों की मौत हो गई। बिगड़े हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन समिति की समीक्षा के लिए रविवार को जयपुर में एक आपात बैठक भी बुलाई थी। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, माधोपुर, गंगापुर और भरतपुर सहित कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। इधर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ घाटी में व्यापक नुकसान हुआ है। केदारनाथ के पैदल मार्ग भीमबली में एक बड़े भूभाग में भूस्खलन होने के बाद मलबा मंदाकिनी नदी में जमा हो गया, जिससे मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रुक गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने कहा कि इस भूस्खलन की घटना से कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन नदी का पानी रुकने से खतरे की आशंका है। उन्होंने कहा कि गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी किया जा चुका है। साथ ही नदी किनारे रह रहे लोगों से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति नदी की तरफ ना जाए।
और इधर गुजरात के हालातों की बात करें तो गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर बांध के 5 गेट आज सुबह खोल दिए गए और करीब 1,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गरुड़ेश्वर के पास नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर बियर डैम ओवरफ्लो हो गया। वहीं एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। और बात अब वन्य जीवों से जुड़ी हुई कर लेते हैं। दरअसल आज विश्व हाथी दिवस है। दुनिया भर में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश साझा किया है। पीएम ने कहा, हाथियों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक प्रयासों की सराहना करने का यह एक अवसर है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि हाथियों को अनुकूल वातावरण मिले जहां वे फल फूल सकें। भारत में हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। यह खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या बढ़ रही है। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। तो आज़ादी का जश्न मनाने को पूरा देश तैयार है और देश भर में तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली जा रही है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। इधर हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुजरात पुलिस के जवानों ने समुद्र के किनारे तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान इनका जोश देखने लायक था। तो भारत की आन बान शान तिरंगा और स्वतंत्रता दिवस का जो जोश है, जुनून है, हर भारतीय पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भाजपा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इस अभियान ने पूरे देश में एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा भी देश भर में हर घर तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रही है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और भाजपा सांसद बासुरी स्वराज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान बासुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी से घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सबसे निवेदन करती हूं कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिला।
लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उधर गोवा में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। आज के युवाओं के मन में हम देश प्रथम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा हो या तिरंगा यात्रा, इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करते हैं। और आज बड़े उत्साह के साथ हजारों से युवक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से तीन रंगों की रौनक छाई हुई है। ऐसे में हमारे सुरक्षा बल भी देशभक्ति की इस भावना का संचार करने में लगे हैं। भारतीय तटरक्षक ने भी इस पहल को बढ़ावा देते हुए लक्षद्वीप में आईसीजी जिला मुख्यालय के समन्वय से एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीप के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। बाइक रैली में युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जम्मू कश्मीर से गोवा तक और मध्य प्रदेश से राजधानी तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। हर हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है। इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। दरअसल भारी बारिश के बाद पहलगाम और बालटाल एक्सेस दोनों पर रखरखाव और मरम्मत का कार्य करने के लिए अमरनाथ यात्रा को आज बालटाल एक्सेस पर निलंबित कर दिया गया है। मरम्मत का कार्य पूरा होने पर फिर से ये यात्रा शुरू कर दी जाएगी। 29 जून को शुरू हुई बाबा बर्फानी की ये यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। और आज सावन का चौथा सोमवार होने के चलते सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचने लगे हैं। भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, जल, बिल्व पत्र से अभिषेक कर खुशहाली और मनोकामना पूरी होने की बाबा महाकाल से प्रार्थना की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से मंगल आरती की गई। वहीं देवघर में भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों के साथ अन्य शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। और इधर शेख हसीना के इस्तीफा दिए जाने के बयान को उनके बेटे ने पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है। साजिद वाजिद ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से ही खंडन किया है। वाजिद ने बयान की प्रामाणिकता से इनकार करते हुए कहा कि उनकी माँ के हवाले से एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। साथ ही उन्होंने उनके वीजा रद्द किए जाने की मीडिया रिपोर्ट को भी खारिज करते हुए कहा कि अवामी लीग नेता का वीजा किसी ने रद्द नहीं किया है और ना ही उन्होंने कहीं राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही साजिद वाजिद ने शेख हसीना की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार को मेरा संदेश, मेरी माँ की जान बचाने में उनकी सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मेरी व्यक्तिगत कृतज्ञता है। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। इधर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से आज मुलाकात करेंगे अंतरिम सरकार के मुखिया। जी हां, ये आज एक अहम खबर आ रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं के जान माल को निशाना बनाए जाने के खिलाफ राजधानी ढाका और चिटगांव में भीषण विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत में भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा और भारत की ओर पलायन को देखते हुए बॉर्डर से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इधर बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। वहीं अमेरिका के ह्यूस्टन में भी हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
और अब बात खेलों के महाकुंभ से जुड़ी हुई कर लेते हैं। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है। भारतीय समय अनुसार रविवार की देर रात 12:30 पर आयोजित पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में हजारों खिलाड़ियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारत की ओर से इस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश समारोह में देश के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए। स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में पेरिस की मेयर एने हिडाल्गो ने 2028 के मेजबान अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बास को ओलंपिक ध्वज सौंपा। इसके साथ 4 वर्ष बाद होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। और अब चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कारोबार जगत की अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर संशोधित मास्टर सर्कुलर के अनुपालन के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने नियामक से दिसंबर 2024 तक मोहलत की मांग की है। इरडा ने जून में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर मास्टर सर्कुलर जारी किया था। इसमें जनरल और स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों से ग्राहकों के लिए व्यापक पॉलिसी तैयार करने को कहा गया, जिसमें सभी तरह की मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियां, पहले से मौजूद बीमारियां और गंभीर स्थिति शामिल हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारियों को करदाताओं के साथ व्यवहार करते समय डराने धमकाने के बजाय सलाह देने का नजरिया अपनाना चाहिए। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कोयला आयात 5.7% बढ़कर 7.5 करोड़ टन से ज्यादा हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.11 करोड़ टन कोयला आयात हुआ था। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI स्वदेशी भुगतान एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम को एक सहायक कंपनी के तौर पर अलग करने की तैयारी में है। भीम ऐप देश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रहा है और इसलिए ये पहल की जा रही है। एक नई कवायद के तौर पर केंद्र सरकार आदर्श सौर ग्राम के चयन और नई पीएम सूर्य घर योजना के तहत अनुदान देने के लिए गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा या चुनौती पेश करेगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के हाल के दिशा निर्देशों के मुताबिक देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनना है। LIC चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयरों में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश करने पर विचार कर रहा है। LIC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ मोहंती ने इस बात की उम्मीद जताई है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान बीमा दिग्गज ने शेयरों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 23,300 करोड़ रुपए था। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मजबूत उपभोक्ता मांग के बीच चालू वित्त वर्ष में बिक्री बुकिंग में 20% की वृद्धि हासिल करने के लिए प्रमुख शहरों में मार्च 2025 तक 21,000 करोड़ रुपए मूल्य की आवासीय परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अमेज़न वेब सर्विसेज ने हैदराबाद में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए AIML आधारित सेवाओं के लिए यहाँ एक नया हाइपर स्केल डेटा सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। होटल कारोबार से जुड़े मंच ओयो की मूल कंपनी ओरेवल स्टेज लिमिटेड ने वित्त पोषण के हालिया चरण में निवेशकों से 1,457 करोड़ रुपए जुटाए हैं। भारत की प्रमुख कार विनिर्माता कंपनियों के साथ बैठक के बाद यूपी सरकार ने स्पष्ट किया कि प्लग इन और हाइब्रिड कारों पर मिलने वाली पंजीकरण कर छूट वापस लेने की उसकी कोई योजना नहीं है। पिछले महीने यूपी सरकार ने हाइब्रिड और प्लग इन कारों पर 8-10% तक लगने वाले पंजीकरण कर को माफ करने का आदेश दिया था। इससे इन कारों की ऑन रोड कीमतों में 4 लाख रुपए तक की कमी आई।